Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, I to the welcome to another vlog. तो आज मैंने कहा कि आज क्यों ना हम अपने होटल को इंट्रोड्यूस वगैरह करवाए थे. तो सबसे पहले जी हम जिस होटल में रह रहे हैं उसका नाम है ले मेरिडियन. वो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा मेरी कौन सी वीडियो, बस मैंने कोई वीडियो अपलोड की होगी नहीं वो वाली जिसमें जो हमारा मतलब जिस दिन हम मक्का पहुँचे थे. तो मैंने कहा कि क्यों ना आज हम आप लोग अपने होटल का टूर देते हैं. सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले क्यों ना मैं आपको इसका बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ. तो हम रह रहे हैं ले मेरिडियन टावर में जो कि है कुदई रोड मिस फला में. ये जो आप लोगों सामने टनल नज़र आ रही है ये वो टनल है जो कि जिसमें से बस वगैरह गुजरती है और ये टनल सिर्फ और सिर्फ बस के लिए बनाई हुई है. और इस वक्त हम हैं होटल के लॉन में और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है और साथ ही साथ ये प्यारे प्यारे परिंदे और ये आप लोग बसेस भी देख रहे होंगे. और ये है हमारे होटल, बेसिकली इसके 7 टावर्स हैं. इसके सामने बहुत बड़ा पहाड़ है और आप लोग देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन भी हो रही है क्योंकि यहाँ पे शायद एक बहुत बड़ा मॉल भी बनने वाला है. तो ये तो था बाहर का व्यू. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, जैसे मैंने आप लोग को बताया टनल से वो बसेस के लिए बनी है और वहाँ पे पैदल जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है. मतलब उन्होंने इतने सारे कैमरास वगैरह भी लगाए हुए हैं और ये जो इतनी बड़ी टनल है मतलब इतने कनेक्शंस और इतनी बड़ी टनल सिर्फ और सिर्फ बसेस के लिए बनाई है. पैदल जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है और ना ही जाने की कोशिश कीजिएगा. ये हाँ जी टावर सेवन ही है ना. हाँ हम चलते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शॉप्स वगैरह वो भी चबा काला भी है बट हमने जाना है ऊपर. तो अभी जी ये एस्केलेटर से ऊपर आता है एम्फ्लोजर. मैं आप 3 दफ़ा बता चुकी हूँ कि क्या होता है और ऊपर फार्मेसीज वगैरह में आखिर कोई रेस्टोरेंट मुझे दिखा नहीं था बट हम देख सकते हैं. और यहीं से फिर हम वापस अपने कमरे की तरफ अपने टावर की तरफ भी चलते हैं और फिर आप लोगों को कमरे का टूर भी दे देते हैं. तो ये जो आप लोग देख सकते हैं अबाया शॉप वगैरह और सब कुछ है इधर और आगे जाके फार्मेसी भी आ जाती है. यहाँ पे देख सकते हैं खजूर वगैरह और यहाँ पे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह भी सारी पड़ी हुई हैं. आइए जी आगे रेस्टोरेंट एशियन रेस्टोरेंट. तभी मैंने 10 रियाल भी लिए थे मामा से. मैंने एक चीज़ भी लेनी थी जो कि मैंने यहाँ पे देखी ये वाली बात. तो अभी जी चलते हैं ऊपर और आप यहाँ लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मेसी भी है जहाँ पे मतलब आप लोगों को सामान वगैरह मिलेगा. और हम टावर 7 से आए थे और अभी हम आ चुके हैं टावर 4 पे. मतलब ऊपर से सारे टावर्स कनेक्टेड भी हैं और नेक्स्ट है हमारा टावर जो कि है टावर 3. और ये एक और रेस्टोरेंट आ गया मोरोकन रेस्टोरेंट. मतलब काफ़ी बड़ी मार्केट मॉल टाइप का कह सकते हैं है होटल के ऊपर. और ये आ चुका है जी हमारा टावर जो कि है टावर 3. यहाँ पर देख सकते हैं अब वगैरह की शॉप. फिर और ये जो दूसरी शॉप वगैरह होती है वो. और यहाँ पे आ गई जी मस्जिद. और ये जी आ गया टावर 3. ये हम एंटर होते हैं टावर 3 में और आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी और हाइजेनिक एंट्रेंस है. ये है जी लॉबी और साइड पे जाएं तो यहाँ पे उन्होंने मसाज मशीन रखी हुई हैं. और आप लोगों को पहले ही मैं एक बात के लिए वार्न कर दूं कि जैसे ही आप लोग एंटर होंगे और वो जब बंदा 10 रियाल लगा हुआ होगा तो आपका दिल कहेगा कि एक दफ़ा बैठ जाए बस मसाज मशीन पे. और यहाँ पे सिटिंग का थोड़ा सा उन्होंने किया हुआ ताकि कोई लोग आए तो उन्होंने अगर कुछ स्नैकिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ पे बैठ सकें. लिफ्ट के अंदर का आप लोग देख सकते हैं कि है तो छोटी बट इट्स हाइजीन दैट मैटर्स. तो अभी जी
हम वहाँ पे खेलने थे और हमें अब जाना है ऊपर 17 फ्लोर पे। ये आज भी है लिफ्ट और इसमें हम जाएंगे फ्लोर 17 पे। वेट, एक मिनट, क्यों बलेट टावर पे आ गया? पता चलेगा। नहीं, हम बिल्कुल सही टावर पे हैं और यहाँ से आएगा हमारा रूम जो है इस तरफ। किस तरफ हमारा रूम? इस तरफ ना खाए। इस पता नहीं क्यों मैं घूम गई थी, बट अब मुझे दोबारा अपना रूम मिल चुका है और ये रहा ये हमारा रूम। आप लोग भी ये है हमारे होटल का कार्ड और ये हम जाएंगे अपने रूम में। वाओ, साफ सुथरा ब्यूटीफुल रूम, 4 बेड्स, 1 कंसोल, 1 टेबल और 2 सोफास और एक किचन भी, फ्रिज, किचन, केटल, साफ सुथरा वॉशरूम जो कि आजकल बहुत रेयर है देखने को, और सबसे बढ़कर ये स्टोर रूम जो कि मोस्ट ऑफ द होटल्स में नहीं होता। इनक्रेडिबल। द नेक्स्ट डे। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं बाहर और अब हमने बैठना है बस में। अभी जी नेक्स्ट हम जा रहे हैं हरम की तरफ जो कि हमने जाना है बस पे। तो मैंने कहा कि आप लोगों को बस का भी टूर करवा, जाकर पूरा होटल का टूर करवा ही दिया तो बस का भी करवा देते हैं। तो अभी जी हम बैठे हुए बस का, यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी बसेस खड़ी हुई हैं और बारी बारी ये सब हरम की तरफ जाएंगी, मक्का टावर बेसमेंट में। तो अभी जी हम बस में बैठ चुके हैं और ये बस हमें लेके जाएगी सीधा क्लॉक टावर के बेसमेंट में। 2 मिनट्स में आई थिंक। सवारी अब बैठ रही हैं बस पे और बस इंतज़ार है, जैसे ही लोग बैठेंगे तो हमारी बस हो जाएगी शुरू। और जैसे ही बस चलना शुरू हुई मैंने अपना टाइमर भी शुरू कर दिया एग्जैक्ट 2 मिनट का। अब देखते जाएगा कि कैसे हम पूरे के पूरे 2 मिनट में होटल से पहुंचेंगे हरम। टनल में एंटर होते ही पूरी टनल लाइटों से रोशन हो गई है और जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो टनल है ये सिर्फ और सिर्फ बस वगैरह के लिए, ना यहाँ पे कोई नॉर्मल ट्रैफिक आ सकती है और ना कोई यहाँ पे कोई चल सकता है, यहाँ पे मतलब वॉक करके हरम जा सकते हैं और वापस आ सकता है। टाइमर नोट करते रहें, जैसे जैसे बस आगे को जा रही है टाइम कम होता जा रहा है और साइड से भी हमारी काफ़ी ज़्यादा बस गुजर रही हैं जो कि आके दोबारा ले मेरिडियन पे रुकेंगी और बाकी होटल्स पे रुक के फिर दोबारा हरम में वापस आएंगे। मैंने कोई एडिटिंग स्पेशल नहीं की कि मैंने कहा आप लोग भी देख सके कि किस तरह पूरे के पूरे 2 मिनट में हम होटल से हरम पहुँचते हैं। यही इस होटल की सबसे बड़ी खूबी है जो कि इसे 5-स्टार बनाता है कि कोई टेंशन नहीं है कि बस नहीं है या फिर बस का वेट करना पड़ेगा या फिर बस कहीं और उतारी है, बस सीधा आएगी मक्का टावर की बेसमेंट से होटल और फिर होटल से सीधा बेसमेंट में, ना किसी और पार्किंग पे उतारेगी, ना रास्ते में उतारेगी या फिर ना हमें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा बस का। और आप लोग देख रहे हैं कि 1.5 मिनट गुजर चुके हैं और हम बस पहुंचने ही वाले हैं बस स्टैंड पर। और
सिर्फ ये खासियत नहीं कि बस बहुत जल्द पहुंचा देती है, ये भी खासियत है कि जिस जगह पे बस पहुंच जाती है वहां पे सीधा ही हम जाएं तो हरम आ जाता है, या फिर हम चाहें तो मक्का टावर के अंदर जाके भी वहां से भी हरम जा सकते हैं। और ये भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि रास्ते बंद होते हैं, क्योंकि जो मतलब जो जब हम क्लॉक टावर में एंटर होते हैं और जो दरवाज़ा होता है वो सीधा हरम के अंदर ही जाता है। और हमारा टाइम हो चुका है पूरा और हम पहुंच भी चुके हैं स्टेशन में पूरे के पूरे 2 मिनट में। तो भाई जी हम आ चुके हैं इधर क्लॉक टावर की बेसमेंट में और हमें लगे 1.5 मिनट होटल से यहाँ तक। तो अब जी हम जाएंगे हरम की तरफ और ये थी हमारा होटल का टूर और ये सारा बस से हरम तक का सफ़र, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ कह सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा। और अब नमाज का टाइम है तो मैं आपको ज़्यादा बातें नहीं कर सकती, तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस मैंने कहा कि वीडियो एंड करते हो, आप लोग को एक और बात बता दें कि आप लोग को एक और मुश्किल पेश आएगी कि जब मतलब आप लोगों ने होटल वापस जाना होगा तो सबसे पहले तो रात के टाइम स्पेशली बहुत ज़्यादा, और आज है भी कल थर्सडे है, जुमे रात है, तो इसलिए मतलब आज वीकेंड भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम। तो और ये आ रही हैं जी नेक्स्ट बसेस, आप लोग देख सकते हैं लोग ही लोग, बसेस आती नहीं है, लोग पहले चढ़ जाते हैं बसेस पे। तो बस अब हम अपनी वीडियो कर लेते हैं एंड, और अब तो मुझे लगता है बस के चक्कर में मैं ना हाफिज। तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब कमेंट शेयर प्रेस द बेल आइकन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।